आपके रिलेशनशिप में आपने हर संभव कोशिश की और आप असफल रहे हैं अभी तक। अगर आपकी संभावनाओं ने दम तोड़ दिया है, अगर आपको लगता है आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ, आपका अपना पर्सनल लाइफ, जिसे आप ठीक करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं अपनी तरफ से, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, आपने सब कुछ कर लिया है, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि लाल कपड़े में ये वस्तु बांध कर इस जगह पे रख दे, रखते ही तुम्हारे प्यार की हर इच्छाओं पर तुम्हारा अधिकार होगा, रखते ही उसकी नियति, उसका सिस्टम, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका व्यक्तित्व, उसकी जानकारी, उसका विवेक, उसकी भाषा शैली सब तुम्हारे अधीनस्थ काम करेगी। मैं कह रहा हूं कि भाई थोड़ी सी खड़ी धनिया, भाई तुम्हारे किचन में धनिया तो मिल सकती है, ये बड़ी चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं थोड़ी सी खड़ी धनिया सूखी वाली लाल कपड़े में करके अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। बस रखते ही वो तरीका, वो ढंग, वो सिस्टम, वो नियम, वो पद्धति, वो शब्द जो बोलकर रखना है वो मैं बता रहा हूं। ऐसा करने मात्र से त्वरित आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आपका लव लाइफ, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पत्य लाइफ, आपका रिलेशनशिप लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, जहां पर प्यार है वहां पर ये साक्षात सोल्यूशन है और ये चमत्कारी सोल्यूशन है। करते ही बेनिफिट होता है, पर सावधान, इसको बढ़ा के मत देखना, सिर्फ सोल्यूशन सोल्यूशन, क्योंकि मैं जो बीच की बातें बताता हूँ एक्चुअली काम वही करती है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, बढ़ा कर देखना, सिर्फ उपाय कर लेना। पहले ही निवेदन करता हूं तुम्हारा काम नहीं होगा। तो भैया ये वही पाठशाला है, ये वो पाठशाला है, ये वो कक्षा है, ये वो क्लास है, ये वो पीठ है जहां पर लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जीवन जीना बताया और समझाया, सिखा करके आगे बढ़ाया जाता है। आपके जीवन में श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है वो सिखाया जाता है यहां। तो जब तुम उपाय करना सीख जाओगे तब उपाय करना उसके पहले काम नहीं करेगा। जो कमियां हैं, जो 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 त्रुटियां हैं उन्हें कंप्लीट तो कर लीजिए, उसके बाद करेंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको जीवन में सच्चे प्यार की तलाश है। अगर सत्य को वास्तविकता में समझना, सत्य को निजता में समझने की कोशिश करना, प्रेम के अपने बड़े सारे स्वरूप हैं। प्रेम में जब आप होते हो ना, जब आप किसी के रिलेशन में, किसी के संबंध में होते हो, जब आप किसी के साथ होते हो, एक अलग मति होती है, एक अलग स्वरूप होता है, एक अलग बात होती है, अलग लक्षण होते हैं। आप सद्बुद्ध खो बैठते हो, आपका शरीर बेचैन होता है, कहाँ क्या पड़ा है, कहाँ क्या पहना है, कब क्या खाया, कब क्या पिया, कब किस प्रकार से रह रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है। आपकी आंखों से अश्बात हो रहे होते हैं, मुख से कुछ बोल नहीं पाते, ऐसे अनेकों लक्षणों के आप मालिक हो जाते हो। आपको करना क्या है कि आपको एक बलिस्ते का छोटी उंगली और अंगूठे के नाप के बराबर एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें खड़ी साबुत धनिया लेनी है, साफ सुथरी और बिल्कुल परफेक्ट। बस इस धनिया में आपको कोई सुगंध की चीज अंदर डाल करके हर एक धनिया को उससे टच करा देना, यानी कोशिश करो कि धनिया को फैलाओ और उसके ऊपर कोई सुगंधित चीज डाल करके कपड़ा बांध दो। अब आपको इसमें तीन गांठ मारनी है, इस कपड़े में तीन गांठ मारने में तीन बार आपको कुछ बोलना है। हृदयस्यं वशस्यं भवम्, हृदयस्यं वशस्यं भवम्, छठी विभक्ति की बात कर रहा हूं, सप्तम पद है, सीख ठीक से बोलिएगा, संस्कृत और व्याकरण दोनों को मिक्स कर रहा हूं। हृदयस्यं वशस्यं भवम्, ऐसा बोल करके तीन बार।
लास्ट में स्वाहा ऐसा करके कस दीजिएगा। इसे अपने तकिए के नीचे रखिएगा। तकिए के नीचे रखने के बाद सुबह जब स्नान करें तो स्नान के पानी में इसको डालिएगा। स्नान करने के पानी के बाद इसको निकाल करके अपने ऊपर से वार करके किसी भी दहकते हुए अंगार में डाल करके एक बार फिर से स्वाहा बोल देना। विश्वास मानिए जीवन पर्यंत के लिए वो तुम्हारा, ये वरदान है तुम्हारे लिए, ये प्रेम का वरदान है, तुम्हारे जीवन का वरदान है, तुम्हारे रिलेशनशिप का वरदान है, तुम्हारे सुख का वरदान है, तुम्हारी एंजाइटी, निगेटिविटी, डिप्रेशन, अशांति, तकलीफों के निजात के लिए वरदान है। तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। खुश रहने के लिए बहुत आवश्यक होगा कि आप अपने आप को संभाल कर चले। आवश्यक होगा मुस्कुराइए, पानी पीजिए, सुंदर बनिए, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताइए, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से, दुखी होने से 20 दिन खराब होते हैं। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, मुस्कुराइए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, खुद को आशीर्वाद दीजिए। मेरे पुराने सारे वीडियोज देखिएगा जरूर, मैं वही बातें बार बार रिपीट नहीं करता इसलिए ताकि तुम पीछे की सब चीजें देख कर सीख करके आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा आज पहला दिन भी है तो भी पीछे की चीजें देख करके सीखो, समझो, फिर ये उपाय करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हुआ है, अब आपकी बारी है। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरु नाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च, स्थान बूढ़े नाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सदगुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391 292929।